मेरी बात को फिर सुनिएगा एक बार और ध्यान रखना दोस्तों, अब की बार अगर हिसाब बराबर नहीं किया पड़ोसी से तो ध्यान रखना फिर मौका नहीं मिलेगा। यही मौका है जम के पकड़ना का, जम के पकड़ना दोस्तों। फिर सुनो दो मिनट के अंदर, 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। और दोस्तों 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से दोस्तों बंगाल विभाजन को लागू करना था। इसके खिलाफ दोस्तों स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस और दोस्तों कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए। फिर दोस्तों 1909 में क्या आया, मार्ले मिंटो अधिनियम आया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों इसी के द्वारा आई। फिर 1911 में दोस्तों दिल्ली दरबार लगा था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और यह बोल दिया कि दिल्ली जो है वो अगली राजधानी होगी। फिर दोस्तों 1911 के बाद में 1915 में गांधी जी वापस आते हैं दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को। और 1916 में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजमूदार दोस्तों उस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। 1917 के अंदर चंपारण दोस्तों सत्याग्रह होता है, गांधी जी ने पहली बार इसी दोस्तों सत्याग्रह में भाग लिया था। फिर इसके बाद में 1919 में दोस्तों रोलेट एक्ट आता है, 1919 के अंदर ही दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों नोट कीजिएगा, इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन होता है, और 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद दोस्तों 1923 के अंदर 1922 में चोरी चोरा घटना होती है, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1923 में स्वराज दोस्तों पार्टी बनती है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों उस पार्टी की स्थापना करते हैं। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं। 1925 में दोस्तों कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू उसकी अध्यक्षता करती हैं। फिर दोस्तों 9 अगस्त 1925 को ध्यान रखना काकोरी ट्रेन डकैती होती है। फिर दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन बना, 1928 में वो कमीशन भारत पहुंचा, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है। फिर दोस्तों 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज की मांग उसी अधिवेशन में होती है। 1930 में दोस्तों नोट करना, 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी जो मार्च है, दांडी जो यात्रा है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है। 1931 में कराची अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता और दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको फांसी होती है। 1932 में पूना पैक्ट होता है और दोस्तों 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम आता है जो कि 1937 से लागू होता है। 1940 में दोस्तों ध्यान रखना अगस्त प्रस्ताव आया, 1940 में ही दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह सामने आया। फिर दोस्तों 1940 के बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन जो है ये सामने आया। 1946 में दोस्तों मार्च 1946 कैबिनेट मिशन बनाया गया जिसका उद्देश्य संविधान सभा जो है इसका दोस्तों निर्माण करना था। फिर 1946 में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, 13 दिसंबर 1946 को। फिर दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र आया और फिर उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना 18 जुलाई 1947 को ध्यान रखना इंडिपेंडेंस जो एक्ट है वो सामने आया। और फिर दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और उसके बाद दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो दोस्तों लागू हो गया। ये मेरी तरफ से दोस्तों आपके लिए था, शायद इसे देखकर 2 मिनट आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो दोस्तों मेरा क्या होगा, मतलब जो मैंने मेहनत की आप